सब्सक्राइब कर लो टेक्निकल असिस चैनल को और हिला दो इस घंटे को ताकि आप देख पाएं टेक वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, आप लोग मोबाइल को लॉक करने के लिए पैटर्न लॉक, फिंगर लॉक या फिर पासवर्ड या फिंगरप्रिंटिंग या फिर कह सकते हैं फेस आईडी या टच आईडी को यूज़ करते ही होंगे। क्या आपको पता है ये सब सेफ़ हैं, या इन सब में से कौन सा पासवर्ड आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है या कौन सा लॉक आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है? तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इन्हीं के बारे में आज पूरी नॉलेज देने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पासवर्ड्स की, जो कि हम पहले यूज़ करते थे एंड्रॉयड फ़ोन्स में। जब इतना मतलब टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, तब हम सिर्फ पासवर्ड ही यूज़ करते थे। पासवर्ड कैसे डाला जाता है वो आपको सब पता है। जब आप पासवर्ड डाल देते हैं और अचानक उस पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो उस पासवर्ड को बहुत दिक्कत होती थी तोड़ने में, लेकिन हार्ड रीसेट के थ्रू उसे तोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर वही पासवर्ड किसी और को पता पड़ जाए, तो आपका फ़ोन ज़रूर खोल सकता है और इजीली ले सकता है, क्योंकि पासवर्ड को मैच करना बहुत इजी होता है। और फिर जैसे कि वो किसी दो चार नंबर्स या फिर दो चार वर्टिकल्स का मतलब सेम पैटर्न बन जाता है, जिससे कि आपके फ़ोन को ऑन होने में बहुत ही आसानी हो जाती है और आपका फ़ोन इतना सिक्योर नहीं होता है कंपेयर टू अदर लॉक के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, तो आप पासवर्ड का आजकल तो यूज़ नहीं करते होंगे। अब मैं दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ वो है पैटर्न लॉक। पैटर्न लॉक भी आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे। जैसे आपके फ़ोन में भी होगा कोई पैटर्न लॉक, आपने भी डाला होगा कोई पैटर्न लॉक, टेढ़ा ताड़ा आड़ा टेढ़ा कोई भी पैटर्न लॉक आपने ज़रूर डाला होगा, और वो पैटर्न आपके फ़ोन को सिक्योरली खोल देता है। क्या आपको पता है वो भी सेफ़ है? जब आप कभी भी जाते हैं पैटर्न बनाते हैं उस फ़ोन पर, दूसरे लोग ने देख लिया तो वो मतलब आपके फ़ोन को वो भी तो एक्सेस कर सकता है। या फिर आप पैटर्न लॉक भूल गए तो आप उसे खोलेंगे कैसे? आपको खोलना है पैटर्न लॉक, तो सिंपली आप पैटर्न को चार पांच बार डालिए, 30 सेकंड्स का जो ब्रेक मिलता है उसमें फिर नीचे एमरजेंसी कॉल और फॉरगेट पैटर्न का ऑप्शन आता है। आपको पैटर्न खोलना है, इसके लिए आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए और मोबाइल में नेट होना चाहिए। मोबाइल में नेट होने के कारण आप फॉरगेट पैटर्न पर जाइए, उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, इससे आपका पैटर्न फॉरगेट हो जाएगा इससे। लेकिन आपका पैटर्न और कोई भी तो फॉरगेट कर सकता है, आपका पैटर्न और कोई के मोबाइल से भी मतलब कह सकते हैं कि आपका फ़ोन और किसी के हाथ में हो तो वो भी तो इसे फॉरगेट कर सकता है। तो इसलिए हम पैटर्न को भी इतना सुरक्षित नहीं कह सकते हैं कि इतना अपने फ़ोन को सुरक्षित रखता है। जो तीसरा तरीका है वो है टच आईडी, जो कि एप्पल यूज़ करता है। घुमा फिरा कर कहती है एप्पल की ये टच आईडी है, लेकिन हम कह सकते हैं फिंगरप्रिंट आईडी है। अगर आपको फिंगरप्रिंट के बारे में और नॉलेज चाहिए हो, तो मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप कार्ड्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं बताऊँ आपको टच आईडी की, ये सिर्फ 3 वर्क्स पर काम करती है। सबसे पहला वर्क होता है वो है सर्कुलर आईडी, और दूसरा होता है वो है जब आप थंब लगाते हैं तो आपको 3 इमेजेस दिखती हैं। एक है आपको सर्कुलर ऐसा जाके ऐसा घूम जाता है, और दूसरा है बिल्कुल सर्कल में बनता है, और तीसरा है बिल्कुल जितना आया उतना ही बनता है। और सिंपली बता दूं, ये तीनों ही बहुत ही काम की चीज़ होती है। अगर फिंगरप्रिंट की बात करूं तो सब लोगों के DNA के अनुसार ही फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। जैसे आपका और कुछ होगा, मेरा कुछ और होगा, लेकिन और किसी का और कुछ होगा। लेकिन फिंगरप्रिंट को ऑपरेशन के थ्रू हटाया जा सकता है। आप कहेंगे ये कैसे, लेकिन हाँ पॉसिबल है फिंगरप्रिंट को ऑपरेशन के थ्रू हटाना। फिंगरप्रिंट को ऑपरेशन के थ्रू हटाना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा आ जाता है, लेकिन हटाया जा सकता है। फिर भी ये पैटर्न और पासवर्ड लॉक के कंपेयर में ये आपके फ़ोन को ज़्यादा सुरक्षित रखता है। इसीलिए हम कहते हैं हमें फिंगरप्रिंट या फिंगरप्रिंट से रिलेटेड मोबाइल लेना चाहिए। और जैसे एप्पल आईफोन में आते हैं उसे कहते हैं हम टच आईडी, कुछ नहीं है, सिर्फ फिंगरप्रिंट लॉक ही होता है और बहुत अच्छी तरह काम करता है। या आपके फ़ोन में भी कोई टच आईडी या फिंगरप्रिंट लॉक होगा तो बताना मुझे कमेंट्स में आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। जो चौथा तरीका है वो है फेस आईडी। अब आप पूछेंगे ये फेस आईडी क्या होता है? फेस आईडी वो होती है जो कि एप्पल आईफोन 10 में आई है, अभी एप्पल आईफोन 10 में आई है, जिससे आपके चेहरे को देखकर ही आपका फ़ोन अनलॉक कर दिया जाएगा। आप ये पूछेंगे ये कैसे काम करता है? ये काम करने के लिए इसमें इन्फ्रारेड कैमरा और एक माइक और एक एक्सेलेरोमीटर एंड प्रोक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं। इन चारों पांचों का काम मिलकर एक फेस आईडी बनाता है। फेस आईडी का मतलब है आप अगर एक बार आप उस फ़ोन से अपने चेहरे को स्कैन कर लेते हैं तो आपके चेहरे पर 30,000 डॉट्स बना देता है। मतलब 30,000 डॉट तो बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए कह सकते हैं 30,000 डॉट। 30,000 डॉट का मतलब होता है आपके हर एक चेहरे की किसी भी पॉइंट पर भी अगर आपको थोड़ी सी फुंसी है, या फिर आपकी नाक थोड़ी बड़ी है, या फिर कह सकते हैं आपकी दाढ़ी बड़ी है, तो वो वहाँ पर वो पॉइंट्स बना लेता है।
करता है। लेकिन एप्पल ये भी कह रहा है कि इसमें अब फीचर से अगर आप चश्मा भी लगा लेते हैं तो भी ये लॉक अनलॉक हो जाएगा, या आपकी दाढ़ी भी आप सेव करा लेते हैं तो भी ये लॉक अनलॉक हो जाएगा, या फिर कोई आप टोपी पहन लेते हैं तो भी ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। लेकिन ये कैसे अनलॉक हो जाएगा, देखिए उस कैमरे ने पहले अपने फेस पर इन्फ्रारेड लाइट ट्रांसफ़र की, जिससे कि वो 30,000 डॉट हमारे फेस पर बन गए। मतलब अपन ने दाढ़ी बना ली तो इतना एरिया कवर हो गया, मतलब इतना एरिया में अब वो डॉट्स नहीं बनेंगे। अगर आपने टोपी पहन ली तो इतना एरिया कवर हो गया तो फिर डॉट नहीं बनेंगे। लेकिन एप्पल ये हार्डवेयर पर वर्क करता है, ना कि सॉफ्टवेयर। एप्पल का ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपके कोई फोटो से फोटो मैच करके ऑन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक फीचर से वो बढ़िया कमाल का फीचर है ये, कंपेयर टू फेस आईडी इतना सिक्योर कह सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होगा कंपेयर टू फिंगरप्रिंट के। अगर फिंगरप्रिंट हम ही खोल सकते हैं, फेस आईडी भी हम ही खोल सकते हैं, लेकिन एप्पल अभी इस पर काम कर रहा है कि फेस आईडी बेटर है कंपेयर टू फिंगरप्रिंट, कंपेयर टू टच आईडी। लेकिन मैं कहूँगा तो दोनों ही सेम इक्वल इक्वल हैं और बराबर ही काम करते हैं और बढ़िया काम है दोनों का ही। और टच आईडी आने वाले समय में हमें हर फ़ोन में फेस आईडी मिल सकता है शायद ही। और मैं बता दूँ एक और टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं AI टेक्नोलॉजी। अब AI टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये भी फेस आईडी की तरह है, जैसे कि ओप्पो ने डुप्लीकेट बनाकर अपने ओप्पो F5 में डाल दिया है, जिसे वो कहते हैं AI टेक्नोलॉजी जस्ट कंपेयर टू फेस आईडी। फेस आईडी मतलब कह सकते हैं, फेस आईडी तो मैंने आपको समझा दिया, और दूसरा वो है जो कि AI टेक्नोलॉजी। AI टेक्नोलॉजी मतलब कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है फ़ोन में, वो आपकी सिर्फ फ़ोटो को कंपेयर करेगा और खोल देगा, जो कि बिल्कुल घटिया है, इतना सिक्योर नहीं है। तो लगता है आपको लॉक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लॉक्स से रिलेटेड और कुछ मेरे से सवाल हो या आपको कुछ आइडियाज़ हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो पे नए हो आप तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना टेक रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके फ्रेंडों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।